असलमैक वेलकम टू अदल गुमीद करती हूँ जी आप सब खैर से हैं मज़े में हैं और खुशबाश हैं तो जी नया साल स्टार्ट हो गया है और आप सबको नया साल मुबारक हो 2022 ख़त्म हुआ है और 2023 शुरू हो गया है अल्लाह करे जो जो परेशानियाँ मुश्किल या जो भी थी वो 2022 में ही रह गई और ख़त्म हो गई और आने वाला नया साल जो हर एक के लिए मुबारक हो वैसे तो हम लोग इस्लामी ईयर पे बिलीव रखते हैं कि हमारा नया साल तो इस्लामिक ईयर के साथ स्टार्ट होता है चलें फिर ये जो है ये भी एक नया साल है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है तो ये भी नया साल आप लोगों को मुबारक हो और अल्लाह करे आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं और जो भी आप लोगों की नेक तमन्नाएं हैं वो सारी इस साल में पूरी हों और अल्लाह ताला पूरी दुनिया को अपनी हिफ़ अमान में रखे और अल्लाह ताला सब को जो है खैर उफियात के साथ रखे तो हम लोग जी आए हैं दुबई मॉल में क्योंकि आपको पता है दुबई के अंदर एक सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो दुबई मॉल है बुर्ज खलीफा यहाँ पर फायर वर्कस होता है और तमाम दुनिया से जो भी लोग आए हुए होते हैं यहाँ पर वो भी इकट्ठे होते हैं और इसके अलावा यहाँ के रेजिडेंट्स भी इकट्ठे होते हैं तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि चल के फायर देखते हैं लास्ट ईयर भी मैं नवंबर में यहाँ मूव हुई थी दुबई में तो हम लोग इधर थे लेकिन फायर के लिए मैं नहीं गई थी क्योंकि उन दिनों अभी मैं नहीं, नहीं आई थी तो अभी इतनी समझ नहीं थी यहाँ की तो इस दफ़ा तो मैंने कहा चले लाजमी जो है वो फायर वर्कस अटेंड किया जाए बुर्ज खलीफा पे और हम लोग जो है जब पहुँचे हैं आपको पता है कि रश होता है दुबई में ऐसे मौकों पे हर जगह पे बल्कि पूरे दुबई में ही फायर वर्कस हुआ होगा मुख्तलफ़ जगहों पे और स्पेशली बुर्ज खलीफा की तरफ तो बेहद रश था बल्कि हम लोग सही टाइम पे अभी काफ़ी जल्दी तकरीबन तीन घंटे पहले हम लोग पहुंच गए थे तीन साढ़े तीन घंटे पहले और आप यकीन करें जब हम पार्किंग में आ, पार्किंग इतनी हम लोगों ने ढूँढी पार्किंग ही नहीं मिल रही थी तकरीबन हम लोगों ने फोटी मिनट्स गाड़ी चलाते रहे तब जाके हम लोगों को गाड़ी में उधर पार्किंग मिली है और गाड़ी पार्क करके हम लोग बड़े खुश हुए ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने जंग फ़तह कर लिए तो उसके बाद हम लोग फिर आए हैं तो ये देखें नीचे हम आ गए हैं पार्किंग से बाहर आए हैं तो सामने क्योंकि जहाँ पे फाउंटेंस वगैरह हैं जहाँ पे पहले एंट्री बिल्कुल फ्री है और लोग खड़े होकर फाउंटेन डांस और सारा कुछ ये देखते हैं बुर्ज खलीफा आज वहाँ पे फोर्टीन हंड्रेड दिरहम का इन्होंने टिकट लगाया हुआ था जो कि दैट्स वेरी एक्सपेंसिव वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह गए होंगे इन लोगों ने लिया होगा वहाँ पे भी तो हम बाकी काफ़ी सारे जो है वो लोग यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई हुई थी और हम लोग वक्त पे पहुँच गए तो हमें भी जो है व्यू हमारा सामने अच्छा था अब आप ये देखें कितना ज़्यादा थोड़ी देर में रश हो गया जब मैं आई इतने लोग नहीं थे लेकिन तकरीबन घंटे डेढ़ के अंदर ही बेहद रश हो गया और खूब ज़बरदस्त साथ जो है वो फायर वर्क हुआ है और अगर आपका भी यहाँ पे ट्रैवल करने का इरादा है तो न्यू ईयर पर नेक्स्ट ईयर आप जो है वो बुर्ज खलीफा में फायर वर्कस लाजमी देखने के लिए आएँ दुबई में वैसे जो है मरीना में भी आ, हुआ है फायर वर्क हर जगह होता है लेकिन बुर्ज खलीफा का जो है फायर वर्क है इसका अपना ही एक चाम है अपनी ही ख़ूबसूरती और एक मज़ा है तो और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया और कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया है और मौसम भी काफ़ी मज़े का था ठंडा था और खूब मज़ा आया बल्कि थोड़ी ठंड भी लग रही थी तो जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो कुछ लोग तो अपनी साथ चेयर्स वगैरह लाए हुए थे और बैठ रहे थे तो मैंने पता क्या किया वो जो सफाई करने वाले घूम रहे थे ना उनसे मैंने ले लिया बड़े दो प्लास्टिक बैग्स ले लिए उनसे मैंने कहा मुझे दो मैंने वो बिछाए नीचे और उनके ऊपर मैं बैठ गई और खूब मज़ा आया पहले मैं जो है साथ ही हम लोगों ने फिर कहा कि जी तीन घंटे यहाँ पे बैठना है तो अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेते हैं तो फूड कोर्ट में जाना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि रश बेहद था तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया उधर ही शॉप ही एक सॉरी साथ ही एक शॉप थी जहाँ पे आज उधर भी खूब रश था तो हम लोगों ने वहाँ से जाके क्रोसो और कॉफ़ी और ब्रोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ लेके तो हम लोग बैठ गए और इसी तरह बल्कि सब आए हुए थे सब अपना खाना वाना भी साथ लाए हुए थे तो बैठ के उधर खा भी रहे थे और देख भी रहे थे इन्जॉय भी कर रहे थे बड़ा मज़े का ये जो है वो हमारा वक्त गुजरा है बहुत खूब मज़ा आया मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो बुर्ज खलीफा में आके फायर वर्कस देखा है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप घर बैठे बुर्ज खलीफा का फायर वर्कस देख लें और बल्कि कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों ने भी जो है वो किस तरीके से और कहाँ कहाँ अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया है जी और अगर यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कहेंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आने वाली मजीदी वीडियोज़ को देख सकें तो उसके अलावा जी अभी विंटर ब्रेक्स जो है वो ख़त्म हो गई आज सेकेंड डे है तो मैं अब थोड़ी सी फ्री थी मैंने कहा चले मैं अपने व्लॉग को एडिट करूं और मैं अपलोड करूं क्योंकि पहले आपको पता है बच्चों की छुट्टियां रही हैं तकरीबन थ्री वीक्स के लिए विंटर वेकेशंस तो बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया है और बस ये था मैंने भी सुबह का टाइम बड़ा खूब इन्जॉय किया क्योंकि आप सोए रहते हैं आपकी नींद पूरी हो जाती है लेकिन उसके बाद आपको पूरा दिन बच्चे संभालने होते हैं लेकिन आज ये है कि बच्चे स्कूल चले गए हैं अभी आएंगे थ्री थर्टी फाइव तक थके हुए आएंगे खाना वाना खाएंगे और उसके बाद ये जो है अपने टाइम पे सो जाएंगे तो तब तक तो मैं इंजॉय करूँगी हो और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप तो दुबई आना चाहते हैं क्योंकि दूसरे कंट्री से तो मेरे पिछले व्लॉग्स को जाके आप देखें वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है जॉब्स के हवाले से और अभी भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आप जॉब्स ढूँढ रहे हैं तो आप विजिट वीज़ा पर यहाँ आ जाएँ अगर आप विज़िट वीज़ा पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख लें यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब की ओपनिंग होती है अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड तो जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं एक नए व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग